मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 6.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित MBBS कन्या छात्रावास हॉस्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज में सुविधा खंड फैसिलिटी ब्लॉक की आधारशिला रखी। इस ब्लॉक में डॉक्टरों छात्रों के लिए कैंटीन बैंक तथा अन्य संबंधित सुविधाएं होंगी। इसके निर्माण में 2.95 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अमृत फार्मेसी का भी उद्घाटन किया। ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के बाद प्रदेश में खुलने वाली दूसरी फार्मेसी है। इसमें 30-60% उपदान पर दवाइयां एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं वो दुखद हैं और प्रदेश सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि प्रदेश में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा जो महिलाओं व बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहे हैं उनके अपराधियों को पुलिस पकड़ भी रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की जो कमी है वो उनके ध्यान में है और सरकार धीरे धीरे सभी पदों को भरेगी ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि GST लागू होने से प्रदेश की आय में कमी जरूर आई है। ये पूरे देश के लिए फैसला था और प्रदेश सरकार अपनी आय को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। GST का असर कुछ समय रहेगा, फिर हालात ठीक हो जाएंगे। टायर और रिटायर्ड लोगों को दोबारा से भर्ती करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने तो हजारों की तादाद में ऐसी भर्तियां की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पहले हमारी सरकार का आंकड़ा देख लें, फिर बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने टांडा अस्पताल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इमरजेंसी वार्ड का भी जायजा लिया और इस दौरान वार्ड में कई खामियां पाई गई और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को प्रदान करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के आम गरीब आदमी को स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं मिलनी चाहिए, उस दृष्टि से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव ये अमृत जो फार्मेसी का जो है इस तरह से वहाँ दवाई देने का जो है ये आज यहाँ पर जो है हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज में भी शुरू हुआ। इससे पहले IGMC भी शुरुआत हुई थी और इसमें जेनरिक नेम से जो है वो मेडिसिन उसमें दी जाएंगी और रेट्स में उसमें बहुत अंतर है। अभी आपने इसमें देखा होगा कि भाई एक पेशेंट को जिसको दवाई दी तो वो 139 का बिल यहां पर दिया गया जो जनरेट हुआ उसके दवाइयों का, और वही बिल लगभग 300 के लगभग जो है वो 270-280 के लगभग जो है वो दूसरी अगर उसमें मेडिसिन लेनी होती दूसरी जगह से लेनी होती तो उस तरह से होता। तो इसलिए बहुत अंतर है, गरीब आदमी को सस्ते रेट पर दवाइयां मिले ये एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार की और हिमाचल। चूंकि आपने इलाबोरेशन देखिए, डॉक्टर्स की कमी है इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए हैं। पिछले अभी 3-4 महीने का हमारा कार्यकाल पूरा हुआ 2 दिन पहले, और इस बीच में बहुत सारे डॉक्टर्स की भर्तियां और उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ की, लेकिन उसके बाद जो स्पेशलिस्ट वाला इशू है उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। आने वाले समय में कह सकता हूं दावे के साथ कि थोड़ा वक्त और दीजिए और उसमें देखिए, घटना बहुत दुखद है, नहीं होनी चाहिए, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात को आप महसूस कर रहे होंगे कि घटना घटित हुई और तुरंत उसी रात को एक को गिरफ्तार किया गया मुजरिम को और उसके बाद दूसरा भी दूसरे दिन कर दिया गिरफ्तार। 3 लोग अभी तक भागे हैं और पुलिस बहुत जल्दी उनको भी पकड़ करके लाएगी। हमारी सरकार ऐसे नहीं है कि सालों साल लोग चले गए, भाग करके चले गए, अपराध करके चले गए, उसके बावजूद भी कार्यवाही उन पर नहीं है और जैसे ही मिलते हैं कानून पूरी कार्यवाही। सर, ये एक और मुद्दा है GST को लेकर के, GST से चलते जो है प्रदेश सरकार को जो आय था उसमें बड़ी कमी आ गई है, उसको लेकर के आपकी जो सरकार क्या सोच रही है कि जो इस कमी को पूरा की जाए? देखिए, GST पूरे देश पर भी लागू हुआ है जी, हिमाचल भी देश का हिस्सा है, इसलिए उसको अलग तरह से देखने की आवश्यकता नहीं थी।
और मैं महसूस करता हूं कि शुरू के जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि शुरू के दौर में कुछ दिक्कतें रहेंगी, व्यावहारिक रूप से दिक्कतें रहेंगी, सारे सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट करना, एक्लिमेटाइज करना और सारी चीजों को लेकर के अभी तक हमारा जो है व्यापारी वर्ग जो है उन सारी चीजों से वाकिफ ही नहीं है, बहुत सारी चीजों से था, तो अब धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी सरकार अथक प्रयास करिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि देखिए हम इसको कैंपेन मोड में ले रहे हैं आने वाले समय में। अब हम विधानसभा सत्र तक हम व्यस्त थे, अब हम उससे फ्री होकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जितने भी इस प्रकार के हमने कदम उठाए हैं उन सारी चीजों को हम जो है लोगों के बीच में, चाहे वो गुड़िया हेल्पलाइन है, होशियार हेल्पलाइन है, चाहे हमारी वो दूसरा जो शक्ति ऐप है, और इस तरह के और भी इनिशिएटिव जो लिए हैं उनको जनता के बीच में पहुंचाने की आवश्यकता है। और मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि उन सारी चीजों का उपयोग करें ऐसी परिस्थितियों में। सर, चूंकि सरकार अथक प्रयास कर रही है ऐसी सुविधाएं देने के लिए जनता को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके कई बार बीमारदार और मरीजों की शिकायत रहती है कि उनके साथ व्यवहार जो वो अच्छा नहीं रहता, उसके लिए सर आप एक सर नहीं सर हमारी एक आखिरी क्वेश्चन है आपकी सरकार पहली कैबिनेट में कही थी कि पुनर्नियुक्तियां हैं जो एक्सटेंशन है नौकरी में नहीं दी जाएगी, लेकिन आप ही के लीड पैनल के अफसर जो एक्सटेंशन और पुनर्नियुक्तियां की है ऐसी बातें सामने आई है, उस पर क्या है, क्या वो कैबिनेट से बड़ी अफसरशाही हो गई? देखिए सुन लीजिए मेरी बात पर, एक तरफ जो है हजारों की तादाद में जो है वो पुनर्नियुक्तियां दी गई थी, एक्सटेंशन थी, री एम्प्लॉयमेंट दी गई थी। हमारे यहां पर आप आंकड़ा निकालिए उसके बाद बात करें।